हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं फिर से आ गया मयाली का सेकंड वीडियो लेके, और इसका थोड़ा हार्श रियलिटी को आपके सामने प्रूव करने जा रहा हूँ मैं, जो कि इतना सारा लोग इसके बारे में तारीफ करते हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे दिखाता हूँ मैं यहाँ का व्यू, और क्रिसमस के दिन पे ही आया हूँ मैं, ऐसे ही आंडू पांडू दिन पे नहीं आया हूँ। और दिखाता हूँ इस दिन में भी यहाँ पे कितना भीड़ होता है लोग। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती। तो गाइज, ये मयाली का पीछे वाला बैक साइड वाला व्यू है, और ये इस टाइप का माहौल रहता है यहाँ पे दिन में। पिकनिक वगैरह स्पॉट के लिए ये सही है, वैसे तो बुरा ही नहीं करना चाहूँगा, पर ठीक ही है, अब इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। अबे फोटो, अरे बकचोद, अभी स्टार्ट हो रहा है। कुछ लोग नहा भी रहे हैं, जूम करके दिखाता हूँ आप लोग को। वो रहे लोग एंजॉय करते हुए फुल, और उधर पिकनिक विकनिक भी मना रहे हैं कुछ कुछ लोग। ठीक है, तो गाइस हम लोग घूमने आए थे मयाली में, और घूमते घूमते हम लोग को एक बच्चा मिल गया है, ये अनजान बच्चा, पता नहीं किसका बच्चा खो गया था। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। कोई जल्दी इसको इसके घर पे पहुंचा दे। तो गाइस मैं आप लोग को मयाली का सामने का व्यू दिखाता हूँ एकदम नज़दीक से, एकदम पानी छू करके दिखाऊंगा आप लोग, बने रहिए मेरे साथ। गाइस हम लोग आ चुके हैं मयाली के एकदम मेन स्पॉट पे, यहाँ से एकदम फ्रंट में एकदम व्यू दिखता है एकदम झकास वाला, ठीक है। और यहाँ से मैं आप लोग को पानी भी टेस्ट करके बताता हूँ, मुतल वाला पानी और आगल वाला पानी, अरे कहना क्या चाहते हो? ठीक है एकदम से। छी, इतना बकवास पानी कोई कैसे कर सकता है। ये देखिए गाइस, यही वाला पानी है, और यही वाला पानी से लोग यहाँ पे खाना पीना बनाते हैं, पिकनिक मनाते हैं, और हम लोग भी कभी भी बना के खाए थे, इसलिए सच्चाई बहुत कड़वा है, लेकिन सुनना पड़ेगा आप लोग को। और इसी में पिकनिक मनाते हैं, और बहुत सारे लोग उधर, कैमरा दिखाओ कैमरामैन, उधर पिकनिक विकनिक मना रहे हैं, कुछ लोग नहा रहे हैं, लकड़ी उकड़ी खोज रहे हैं, और बढ़िया जगह है वैसे, एक्सप्लोर करना चाहिए। कुनकुरी का तो ये फेमस जगह है। अरे भाई गिर जाऊंगा। तो ठीक है, यहाँ पे इस तरफ भी लोग नहा रहे हैं, तो आइए घूमिए। और फैमिली वाला स्पॉट उस साइड है, उस पार, जो मैं अपना फर्स्ट ब्लॉग में कवर कर चुका हूँ। और ये मछली वछली भी इधर उधर उछल रहा है, बाकी पानी अच्छा है, लेकिन माइक्रोब्स होंगे भाई इसमें भी, ऐसा नहीं है कि एकदम शुद्ध पानी है, बाकी गहरा वहरा भी है बहुत, और हम लोग डुबकी तो नहीं लगा पाएंगे। ठीक है बस इतना ही, कट कट। तो गाइस हम लोग मयाली के सेकंड स्पॉट में आ गए हैं, और इधर के व्यवस्था के बारे में थोड़ा बताता हूँ। ऐसे व्यवस्था तो कुछ है नहीं, पर उधर थोड़ा बाथरूम वाथरूम दिया हुआ है अपना पेट सफ़ा करने के लिए, स्वच्छ भारत अभियान के तहत। तो और इधर हम लोग का पिकनिक स्पॉट है, ये दो टू मेन, और इधर लोगों भी आए हैं, दिखा दीजिए कैमरामैन, और उधर भी कुछ लोग आए हुए हैं पूरा फुल पिकअप, और इधर गाड़ी वाड़ी धोने के लिए थोड़ा सा ऑप्शन है, बाकी ये वाला सही किया इन्होंने, बाथरूम दे दिया है एकदम, बाथरूम तो दे दिया, पर दरवाज़ा पता नहीं शायद बेच के खा गए लोग यहाँ के, और भूल गए शायद, पता नहीं, खुले में शौच करे और प्रकृति का मज़ा भी लें, और सीन देखते देखते हगे, ऐसा सीन है लग रहा है। बाकी आगे का व्यू हम लोग दिखाते हैं आप लोग को, चलो गाइस। बहुत ही दुखद बात आपको कहना पड़ रहा है, आप लोगों के सामने कहना पड़ रहा है कि हम लोग का मयाली डैम जो है खतरे में है, क्योंकि यहाँ पे लोग इतना कचरा वचरा फैला के दूषित कर रहे हैं इस जगह को। तो इस जगह को हम लोग थोड़ा सा साफ रखें, और वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, पर डिस्पोजल दारू वगैरह और ये सब इतना सारा फैला हुआ है, और क्या बोलते हैं, इधर पिकनिक स्पॉट में लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो उधर सब देखिए थोड़ा पिकनिक विकनिक मना रहे हैं, लकड़ी वकड़ी भी काट रहे हैं, तो ये सब थोड़ा इन्वायरमेंट को क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन की ओर हम लोग जाते हुए इसको थोड़ा
साफ सफाई का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए और नेचर को थोड़ा प्रोटेक्ट करना चाहिए। थोड़ा हम लोग नेचर लवर भी हैं तो इसीलिए हम लोग बोल दे रहे हैं, लेकिन नहीं बोलना चाहिए, हम लोग कौन होते हैं बोलने वाले। ठीक है, बाकी आप लोग व्यू पूरा दिखाएंगे गाइस, ठीक है। सामने का व्यू है एकदम फ्रंट का और एकदम पानी के पास हम लोग आ चुके हैं। आप लोग को दिखाने के खातिर मैं आ चुका हूँ यहाँ तक और छपर छपर पानी यहाँ पे मस्त एकदम क्रिस्टल क्लियर वाला पानी दिखा रहा हूँ। दिख रहा है, मतलब दिखा तो नहीं रहा हूँ, दिख रहा है। और वहाँ पे बोटिंग वोटिंग सब भी होता है। कहाँ भगे बोट वाले? अच्छा, ख़त्म हो गया बोटिंग। तो गाइस सब चीज़ ख़त्म हो चुका है और हम लोग वापस जा रहे हैं और हम लोग को यहाँ पे कुछ नहीं मिला। बाकी पिकनिक मनाने वाले लोग खा रहे हैं, उन लोग का देख के उल्टा पानी मुंह में आ गया और ज़्यादा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो हम लोग भी भाग रहे हैं घर और घर में जाके कुछ पेट पूजा करेंगे। बाकी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे ब्लॉग्स देखने के लिए चैनल पे। बोल क्या? सब्सक्राइब मारो गाइस, सब्सक्राइब कर देना और क्या भाई, लाइक भी कर देना, मतलब।